योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के संग योग अभ्यास किया। इस वर्ष मानवता के लिए योग थीम को अपनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कई आसनों के साथ योग अभ्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग से मन के भीतर नकारात्मक शक्तियों के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर, मन एवं आत्मा में संतुलन स्थापित होता है, जिससे मनुष्य एकनिष्ठ, एकाग्र एवं स्थिर होता है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और तनाव मुक्त स्वस्थ होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। ऋतु खंडूडी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से जब पूरी दुनिया परेशान थी, तब फिर योग ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। योग के प्रयोग एवं संतुलित जीवन शैली से ही हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयासों से वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवाई है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, 21 जून को 2015 के बाद से 21 जून को योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। यूएन जनरल ने ये निर्णय, यूएन को हमारी जो असेंबली है उसने ये निर्णय लिया था कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, जिस तो बहुत ही सुखद बात है। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं।